चल रहा है और हम लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट करके हैं। ओके, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसकी मीनिंग समझे। देखो क्या बता रहा है, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है 6 नंबर, उसको सॉल्व करना है एंड चेक योर रिजल्ट, और उसकी रिजल्ट को चेक भी करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल है आप देखो, तो कौन सा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, ठीक है। तो हमें एक्स फाइंड करना है। तो देखो किस तरह होगा, सबसे पहले हमारे पास ये 8x है प्लस 4 सेम इक्वल टू, ये देखो 3 और ब्रेकेट है, तो इसको 3 से पहले इंटू करो, इस ब्रेकेट को 3 को x से इंटू करो तो क्या होगा 3x, 3 को 1 से इंटू करवा दो 3 × 1 = 3 और प्लस 7 सेम। ओके, सबसे पहले इसको सॉल्व किया, 3 को x से इंटू किया, 3 को 1 से इंटू किया, बाकी सेम रखा मैंने, ठीक है। अभी क्या करूंगा, ये सेम रखूंगा 8x प्लस 4 सेम रखूंगा, ये 3x सेम। अभी 3 बड़ा कि 7 बड़ा, 7 बड़ा, 7 को कौन साइन है, प्लस की साइन है, तो बड़े की साइन, इसको प्लस है, इसको माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 गए तो 4। ओके, अभी क्या करेंगे, ये इक्वल टू की साइन सेम, ये 8x सेम, 3x प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस 3x। ओके, ये 4 सेम, ये प्लस 4 है, उस साइड जाएगा तो माइनस 4। ओके, अभी क्या होगा, 8x में से 3x गए तो 5x, इक्वल टू में 4 में से 4 गए 0, ठीक है। अभी क्या होगा, x इक्वल टू 0 सेम, 5x के साथ 5 है तो 5 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और 0 किसी से भी डिवाइड करो 0 ही होगा, मीन्स x की वैल्यू जो हुई वो 0 हुई, ठीक है। अभी हमें चेक करना है, चेक करोगे तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड, ये जो क्वेश्चन है उसका लेफ्ट हैंड साइड लोगे, ठीक है। तो वो क्या है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, 8x प्लस 4 इक्वल टू के साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड 8x प्लस 4, 8 से हम अभी x की जगह में क्या रखोगे, जो आपने x की वैल्यू निकाली है 0, तो x की जगह मैं 0 रखू प्लस 4, अभी 8 को 0 से इंटू करूं 0, और ये प्लस 4, 0 और 4 का टोटल करूं 4। ओके, अभी ये लेफ्ट हैंड साइड आया, इसी तरह राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। अभी तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, 3 और ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7, जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट हैंड साइड इक्वल टू का उस साइड। अभी इसको सॉल्व करें हम, तो ये 3 सेम, x इज अवे 0 माइनस 1 सेम प्लस 7, तो क्या होगा, ये 3 सेम, 0 में से 1 क्या, 1 को माइनस की साइन है, 0 बड़ा कि 1 बड़ा, 1 बड़ा, 1 को कौन साइन है, माइनस की साइन, साइन बड़े की रहेगी, मीन्स माइनस 1, 1 में से 0 क्या 1 ही आएगा, और ये प्लस 7, अभी 3 × 1 = 3 पर माइनस 3 होगा, और ये प्लस 7 सेम, अभी इन दोनों में से बड़ा कौन, 3 बड़ा कि 7 बड़ा, 7 को कौन साइन है, प्लस की साइन, तो बड़े की साइन आएगी, इसको प्लस है, इसको माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 गए तो 4। देखो दोनों का आंसर सेम आ गया, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए कंपलसरी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, इजी, क्लियर। अभी इसी तरह हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7 नंबर देखो इस तरह मिला हुआ है हमारे को, x इक्वल टू 4/5 एंड ब्रेकेट में x प्लस 10। तो देखो क्या करोगे, इसको किस तरह सॉल्व करोगे, ये 5 डिवाइड में है और ब्रेकेट के साथ ही है, 5 डिवाइड में है तो 5 इधर मैं लेके आऊं, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मींस क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 4 और ब्रेकेट सेम x प्लस 10। देखो 4/5 ब्रेकेट के साथ इंटू में है, तो मैं 5 जो है डिवाइड में है, तो यहाँ पे डिवाइड में इक्वल टू इधर लेके आया तो मल्टीप्लाई में हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और इक्वल टू में वो 4 सेम रखा और ब्रेकेट सेम रखी। ओके, अभी इसको सॉल्व करें, देखो ये 5x सेम इक्वल टू में 4 से इंटू करो तो क्या होगा, 4x + 40। ओके, 4x + 40, 4 को x से किया और 4 को 10 से इंटू किया, दोनों से इंटू करना पड़ेगा। अभी ये 5x सेम, 4x को प्लस की साइन है, इक्वल टू के साइड आएगा तो माइनस 4x, इक्वल टू में ये 40 सेम, फिर क्या होगा, 5x में से 4x गया तो x हुआ एंड इक्वल टू में ये 40, 5x में से 4x गए तो रिमेनिंग 1x बचा, मींस x बचा और इक्वल टू में 40, तो इस तरह x की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, अभी क्या करेंगे, हमें चेक करना है, चेक करना है मीन्स हम लेफ्ट हैंड साइड ले पहले,
लेफ्ट हैंड साइड मींस जो आपका क्वेश्चन है उसके इक्वल्स टू के इस साइड वाला एक्स ही है सिर्फ, और एक्स आपका क्या है 40 है, एक्स की वैल्यू 40 आई, तो एक्स की जगह पे मैंने 40 रखा, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 40 आया। अभी राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड भी वही 40 आना चाहिए आपको, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू के इस साइड जो है वही 4/5 एंड ब्रैकेट में एक्स प्लस 10। ओके, तो फिर क्या होगा, ये 4/5 से एक्स की जगह में 40 रखू, 40 + 10 एक्स की जगह 40 रखूंगा ना, एक्स इक्वल्स टू आपका 40 है। ओके, तो इसके इक्वल्स में क्या होगा, ये 4/5 से दोनों का टोटल करूं, 40 और 10 क्या हुआ 50। अभी 5 का टेबल लगाऊ, 5 बन जा 5 10 जा और 4 को 10 से इनटू करूं 40, देखो दोनों का आंसर सेम आया। ठीक है, तो इस तरह हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया। ओके, इजी क्लियर। अभी इसी तरह हमारे पास 8 नंबर है, ठीक है, तो 8 नंबर देखो इस तरह मिला हुआ है और उसमें वेरिएबल कौन सा है हमारा, एक्स ही है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको किस तरह सॉल्व करोगे, अभी हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x + 2x/3+1, और देखो इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो मैं डिवाइड में 1 ले सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह ये 7x/15, इसके भी डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 ले सकता हूँ। ठीक है ना, अभी क्या इक्वल टू के इस साइड और इक्वल टू के उस साइड, पहले इक्वल टू के इस साइड देखें भाई, डिवाइड में 3 और 1 है, 3 और 1 का एलसीएम निकालो तो क्या होगा, 3 होगा, मींस मुझे 3 नीचे सेम नीचे 3 लाना है। ठीक है ना, तो किस तरह करूंगा, देखो ये सेम रहेगा 2x/3 और प्लस इन दोनों, अभी मुझे यहाँ पे 3 लाना तो क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से इनटू करना पड़ेगा, अभी 3 से नीचे इनटू करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो क्या होगा, ऊपर 3 बन जाए 3, नीचे भी 3 बन जाए 3, देखो 3 नीचे सेम आ गया, इस तरह करना पड़ेगा। फिर इक्वल टू में ये सेम 7x/15, अभी मुझे नीचे 15 लाना है, मुझे 15 और 1 का एलसीएम 15 ही होगा, तो मुझे नीचे 15 लाना है, इसको मैं 15 से इनटू करूं, ये बीच में प्लस साइन है, इसको 15 से इनटू करूंगा तो ऊपर भी 15 से इनटू करना पड़ेगा, 15 3 = 45 और नीचे 15 बन जा 15, इस तरह आपको नीचे सेम लाने के लिए इसको 15 से इनटू करना पड़ा, देखो आ गया 15। तो इस तरह अभी क्या होगा, ये 3 3 सेम 8 ही बार रखूंगा, ठीक है, और ये 2x + 3 सेम इक्वल्स टू में ये 7x + 45 सेम और नीचे 15 एक ही बार रखा। ओके, एलसीएम निकाल दिया भाई, यहां 3 3 सेम है तो 3 एक ही बार रखा, ऊपर 2x + 3 इक्वल्स टू में 15 15 एक ही बार रखा, ऊपर 7x + 45। ओके, अभी क्या करोगे, 45 यहां पर डिवाइड में इधर इनटू में लेके आता हूं। ओके, 45 डिवाइड में इधर इनटू में लेके आऊ, देखो किस तरह कर रहा हूं भाई, 2x + 3 / 3, 15 यहां पे डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में लेते हैं 15 इक्वल्स टू में 7x + 45 से 15 डिवाइड में इधर इनटू में। अभी क्या करूंगा, 3 का डबल लगाओ, 3 1 = 3 5 ओके, 3 का डबल लग गया, अभी क्या है, ये 2x + 3 को 5 से इनटू करना पड़ेगा, दोनों से करना पड़ेगा, 5 को 2x से इनटू करो तो क्या होगा, 10x, 5 को 2x से इनटू किया तो क्या आया, 10x, बीच में प्लस है, 5 को 3 से इनटू किया, 5 3 = 15 इक्वल्स टू में ये सेम 7x + 45। ओके, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, ये 15 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में लेके आया और ये सेम रखा 2x + 3/3 इनटू 15 हो गया इक्वल्स टू में सेम, अभी 3 का डबल 15 पे लगाया, 3 = 15, फिर ये 5 जो है 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में आया तो 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 2x इनटू किया तो 10x, 5 को 3 से इनटू किया तो 15 इक्वल्स टू में सेम। ओके, इसके बाद क्या करोगे, इस तरह करोगे, देखो ये इक्वल्स टू की साइन सेम, यहां पे जो इक्वल्स टू की साइन है वो सेम, यहां पे 10x सेम, 10x सेम। ओके, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इक्वल्स टू की साइन सेम, 10x सेम, 7x इस साइन लेके आओ तो -7x हो जाएगा और इक्वल्स टू में 45 सेम और +15 है उस साइड लेके जाऊंगा तो -15, समझे, देखो इक्वल्स टू की साइन सेम, यहां पे 10x है, 7x को इधर लेके आया, यहां पे प्लस में इक्वल्स टू इस साइड लेके आया तो माइनस में आया और इक्वल्स टू में 45 प्लस में तो 45 प्लस में ही रखा, 15 प्लस में इक्वल्स टू को उस साइड लेके गया तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करोगे, 10x में से 7x गए तो क्या हुआ 3x और 45 में से 15 गए
तो क्या हुआ 30, अभी क्या हुआ एक्स एन 30 सेन 3 उससे लेके जाऊं डिवाइड में x के साथ 3 मल्टीप्लाई में, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हुआ 3 का डबल लगाऊंगा तो 10 जब 3 का डबल 30 पे 10 टाइम लगेगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या हुई 10 हुई। ओके इसके बाद आपको चेक करना है, चेक करना है तो इक्वल्स टू के इस साइड और इक्वल्स टू के उस साइड, तो देखो किस तरह चेक करोगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल्स टू के इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड 2x अपॉन 3 प्लस 1 है। ओके तो हमारे को x की जगह पे क्या रखना है, ये 2 से x की जगह पे 10 रखो, डिवाइड में 3 से प्लस 1 से, अभी इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 रखू सेम, नीचे एलसीएम निकालना है सेम लेके आना, तो इन दोनों का इंटू करूं मैं, इन दोनों का इंटू करूं भाई 2 10 जा 20 और डिवाइड में 3 से, और इनको दोनों को 3 से इंटू करूं 3 1 जा 3 और नीचे भी 3 1 जा 3, फिर क्या करूंगा ये 3 एक ही बार रखूंगा, ऊपर क्या होगा 20 प्लस 3 मींस क्या आंसर आया 23 डिवाइडेड 3। ओके देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स की जगह मैंने 10 रखा और ये 1 सेम, इससे डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 रखा, इन दोनों का इनटू किया 2 10 जा 20 नीचे 3 सेम, अभी मुझे नीचे 3 लाना है इसको 3 से इनटू किया, इसको 3 से इनटू किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर 3 1 जा 3 नीचे भी 3 है, तो देखो नीचे 3 सेम है तो नीचे 3 एक बार रखा और ऊपर 20 प्लस 3 सेम, क्योंकि एलसीएम निकल गया तो 3 नीचे एक ही बार रखूंगा ऊपर 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 मींस 23 अपॉन 3। ओके तो ये लेफ्ट हैंड साइड आया, इसी तरह हमें राइट हैंड साइड, देखो आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करें, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट साइड, हमारा राइट हैंड साइड देखो क्या हमला हुआ है भाई 7x अपॉन 15 और प्लस 3 इस तरह दिया हुआ है, तो देखो ये 7x की जगह 10 रखूंगा, ये 15 सेम प्लस 3 और डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 रखूं, अभी देखो 5 का डबल लगा है दोनों को, 5 का डबल लगाओ 5 3 जा एंड 5 2 जा, तो ऊपर इनटू किया तो क्या आया 14 और नीचे 3 प्लस, यहां पे मुझे 3 लाना है नीचे तो इनटू करो 3 से ऊपर नीचे 3 3 जा 9 और नीचे 3 बन गया 3, क्यों 3 से इनटू किया क्योंकि मुझे एलसीएम नीचे 3 आया ना, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा तो मुझे नीचे 3 लाना है तो ऊपर नीचे 3 से इनटू किया 3 3 जा 9 3 1 जा 3, तो अभी देखो 3 एक ही बार रखूंगा नीचे और ऊपर क्या होगा 14 प्लस 9 और 14 और 9 का टोटल करो क्या हुआ 23 अपॉन 3 हुआ ना, 14 और 9 23 होता है, तो इस तरह देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यही है 23 अपॉन 3 और राइट हैंड साइड का भी आंसर यही है 23 अपॉन 3, तो देयरफॉर क्या बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके इजी क्लियर, अभी इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके 9 नंबर देखो, इसमें देखो क्या हमला हुआ 2y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 माइनस y, तो कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है इसमें आपको y वेरिएबल दिया हुआ है। ओके y वेरिएबल दिया हुआ है तो देखो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड करें, एलसीएम वाला मेथड करो तो भी चलेगा, चलो एलसीएम वाला ही करते हैं। हमारे पास यहां पे दिया हुआ है 2y एंड प्लस सॉरी 2y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 माइनस 1, इसके डिवाइड में आपको कुछ नहीं है तो 1 लूं, इसके डिवाइड में भी कुछ नहीं है तो 1 लूं, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा, तो ऊपर नीचे मुझे 3 से इनटू करना पड़ेगा। ओके 3 से इनटू करूं 3 2 जा 6 बार और नीचे 3 1 जा 3 और ये 5 अपॉन 3 सेम इक्वल्स टू में ये 26 अपॉन 3 सेम, ठीक है, और इसको मुझे 3 लाना है नीचे तो 3 से इनटू करूं तो 3 बार और अपॉन में 3 1 जा 3। ओके तो देखो क्या होगा ये 3 नीचे सेम एक ही बार रखूंगा क्योंकि एलसीएम हो गया और ये 6 बार प्लस 5 सेम इक्वल्स टू में इसमें भी ये 3 एक ही बार रखूंगा ऊपर 26 माइनस 3 बार सेम, ठीक है। ओके तो अभी देखो क्या होगा ये 3 यहां पे डिवाइड में है इक्वल्स टू में उस सारे के मल्टीप्लाई में तो 3 3 कट जाएगा तो डायरेक्ट कट कर दूं, ठीक है ना, 3 3 कट जाएगा इक्वल्स टू के साइड और इक्वल्स टू के साइड डिवाइड में 3 है 3 उस साइड जाएगा कटने वाला है, ठीक है ना, 3 3 कट जाएगा तो देयरफॉर क्या बचा 6y प्लस 5 इक्वल्स टू 26 माइनस 3y। ओके फिर क्या करोगे देखो
एस एन सिक्स वाई एस एन, ये माइनस थ्री वाई उस साइड जाएगा तो प्लस थ्री वाई, ये 26n प्लस वाई उस साइड जाएगा माइनस वाई। देखो रिपीट कर रहा हूं, ये सिक्स वाई सेम थ्री वाई माइनस में इधर आ गया प्लस थ्री वाई, 26n प्लस वाई उस साइड जाएगा माइनस वाई। अभी क्या होगा 26y और 3y क्या हुआ 9y, इक्वल टू में 26 में से 5 गए तो कितना हुआ 21 हुआ, ओके ना। अभी क्या होगा ये y सेम इक्वल टू में 21 सेम, 9 जाएगा डिवाइड में y के साथ इनटू में 9 तो वहां पे डिवाइड में जाएगा, 3 का डबल लगाओ, 3 का डबल लग रहा है 3 7 जा n 3 3 जा, तो y की जो वैल्यू आई वो 7 अपॉन 3 है, ओके। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या किया मैंने ये 2y और ये सेम, ये भी सेम ये भी सेम, खाली 2y के डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 रखा, इसी तरह y के डिवाइड में भी कुछ नहीं है तो 1 रखा। अभी 1 और 3 का मैंने एलसीएम निकाला तो 3 आया, तो मुझे नीचे 3 लाना है, इधर तो 3 है इट्स ओके, यहां पे 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और प्लस ये से ये, इसमें भी 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा, तो इससे डिवाइड में तो 3 है पर मुझे इधर 3 लाना है तो ऊपर नीचे 3 से इनटू करूंगा, तो ये सेम रखा 26 अपॉन 3 माइनस इससे इनटू किया तो 3 बाय और नीचे 3 बन जा 3, और अभी देखो 3 3 सेम आ गया तो एक ही बार रखूंगा और ऊपर 6 बाय प्लस 5 इक्वल्स टू, यहां पर भी 3 3 सेम आ गया तो एक बार रखूंगा ऊपर 26 माइनस 3 बाय, ओके। अभी देखो इक्वल्स टू के इस साइड देखो इक्वल्स टू उस साइड देखो 3 3 डिवाइड में कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में 3 इधर मल्टीप्लाई में आएगा 3 3 कटने वाला है तो डायरेक्ट कट कर दो, ओके। तो फिर क्या गया ये सेम 3 3 कट हो गया तो 6y + 5 = 26 - 3y, फिर 6y सेम 3y माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में 26m + 5 उस साइड जाएगा माइनस y, इन दोनों का प्लस किया 6y और 3y तो टोटल हुआ 9y = 26 में से 5 गए तो क्या हुआ 21, अभी 9 में उधर लगेगा डिवाइड में, ओके। और अभी देखो इसमें 3 का डबल लग रहा है 3 7 जा और 3 3 जा तो आपका y की वैल्यू क्या हुई 7 अपॉन 3, ओके। अभी हम चेक करें तो इक्वल्स टू के साइड लेफ्ट हैंड साइड लूंगा मैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हमारा क्या है 2y प्लस 5 अपॉन 3, ठीक है। अभी वैल्यू पुट करें ये 2 सेम y की जगह पे मैं 7 अपॉन 3 रखूं, ओके, फिर प्लस ये 5 अपॉन 3 सेम, अभी इसको मैं 2 से इनटू करूं 2 7 जा 14 अपॉन 3 सेम और ये 5 अपॉन 3 सेम, देखो अभी क्या होगा 3 3 नीचे सेम है एलसीएम निकालो तो 3 सेम रहेगा एक ही बार और ऊपर क्या होगा 14 प्लस 5 और 14 और 5 का टोटल क्या होगा 19 19 अपॉन 3, ओके। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इसी तरह राइट हैंड साइड हम सॉल्व करें, राइट हैंड साइड मींस इक्वल्स टू के साइड आपका जो जो मिला हुआ है भी 26 अपॉन 3 माइनस y, तो देखो ये 26 अपॉन 3 सेम माइनस y की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूं y हमारा क्या है 7 अपॉन 3, ओके। तो 3 में एक ही बार रखूंगा और ऊपर क्या होगा एलसीएम निकालू 3 एक ही बार ऊपर 26 माइनस 7 तो अभी देखो 26 में से 7 गए तो क्या आएगा 19, ओके 19 और अपॉन 3, देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखो 19 अपॉन 3, राइट हैंड साइड का आंसर देखो 19 अपॉन 3, ओके। तो दोनों का सेम आ गया तो देयरफॉर आप क्या बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ओके इजी क्लियर। अभी इसी तरह हमारे पास 10 नंबर है, ओके देखो 10 नंबर में क्या दिया हुआ है 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8 अपॉन 5, तो इसमें कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है m वेरिएबल दिया हुआ है तो आपको m फाइंड करना है, ओके m वेरिएबल दिया हुआ है तो देखो ये 3m सेम इक्वल्स टू में 5m सेम माइनस 8 अपॉन 5, देखो इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं तो मैं 1 ले सकता हूं। अभी 1 और 5 का आप एलसीएम निकालो, 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा 5 होगा तो मुझे नीचे 5 सेम लिखना है तो देखो किस तरह करूंगा ये 3m सेम इक्वल्स टू में मुझे 5 लाना है तो उसको 5 से इनटू करूं तो 5 से इधर भी इनटू करो तो ऊपर भी करना पड़ेगा तो क्या होगा 5 5 जा 25m और नीचे 5 1 जा 5 और ये माइनस 8 अपॉन 5 से, ओके okay, देखो नीचे सेम आ गया इसको ऊपर नीचे मैंने 5 से इनटू किया 5 बजा 25 5 बजा 5, ओके तो ये 3m से इक्वल्स टू में 5 नीचे एक ही बार रखा और ऊपर 25m माइनस 8, ओके।
अभी देखो फाइव एक ही बार रखा क्योंकि एलसीएम हो गया ना फाइव एक ही बार और ऊपर 25 है माइनस है। अभी ये फाइव जो आ जाएगा इधर आ जाएगा मिड से ये 3m से फाइव डिवाइड में इक्वल टू कैसे लेके आऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 25m माइनस 8। अभी इन दोनों का इंटू करो 3 5 15m इक्वल टू 25m माइनस 8। ओके अभी क्या होगा ये इक्वल टू की साइन सेम ये 15m सेम ये 25m को कौन साइन है प्लस की साइन है इस साइड आएगा तो माइनस 25m और इक्वल टू में क्या बचा 8 को माइनस की साइन है तो माइनस 8। देखो मैंने क्या किया 15m सेम रखा 25m को यहाँ पे प्लस साइन है इस साइड आएगा तो माइनस और इक्वल टू में माइनस 8 सेम। अभी 15m बढ़ा कि 25m बढ़ा 25m को कौन साइन है माइनस की साइन तो साइन बढ़ गया है और इसको माइनस है इसको प्लस है माइनस प्लस माइनस तो 25m में से 15m गए तो क्या बचा 10m। ओके और इक्वल टू में माइनस 8 अभी माइनस माइनस कट जाएगा तो देयरफॉर m इक्वल टू क्या हुआ 8 अपॉन 10 माइनस माइनस कट कर दिया और m के साथ 10 मल्टीप्लाई में उससे लगेगा तो डिवाइड। ओके अभी देखो 2 का डबल लग रहा है तो m इक्वल टू 2 का डबल लगाऊं 4 और नीचे 5 तो m की वैल्यू क्या हुई हमारी 4 अपॉन 5। ओके अभी चेक करें चेक करने के लिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है हमारा 3m। ओके तो 3 से m की जगह पे क्या रखूं आपने जो फाइंड किया 4 अपॉन 5 3 से इनटू करूं 3 4 जा 12 अपॉन 5 ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अभी राइट हैंड साइड फाइंड करें राइट हैंड साइड में क्या है देखो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है इक्वल टू के साथ देखना है क्वेश्चन भी। ओके तो 5m माइनस 8 अपॉन 5 तो देखो ये 5 से m की जगह पे क्या रखूंगा m की जगह पे ये 4 अपॉन 5 m की जगह पे मैं 4 अपॉन 5 रख रहा हूं और माइनस 8 अपॉन 5। देखो अभी पीछे इक्वल्स में देखो 5 5 कट जाएगा पर क्या है नीचे एलसीएम करोगे फिर से 5 चाहिए तो इससे अच्छा 5 5 कट नहीं करो मल्टीप्लाई कर दो 5 हो जा 20 और नीचे 5 माइनस 8 अपॉन 5 क्या है नीचे अगर जो कटिंग कर देंगे तो आगे जाके फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर से एलसीएम निकालना पड़ेगा इससे अच्छा कटिंग नहीं करो मल्टीप्लाई कर दो 5 को 4 से इनटू करो 5 हो जा 20 नीचे 5 से माइनस 8। अभी देखो ये 5 5 सेम आ गया ना तो सेम आ गया तो डिवाइड में एक ही बार 5 रखूंगा और ये माइनस करूं 20 माइनस 8। ओके तो 20 में से 8 गए तो कितना हुआ 12 और नीचे 5 सेम ठीक है तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर देखो सेम आ गया। ओके तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके इज इट तो इस तरह आज हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया 6 किया 7 किया 8 9 एंड 10 किए। ओके और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। ओके और मैं जो भी सम करा रहा हूँ बिल्कुल इजी वे में कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ एक ही सम बहुत सारे मेथड से होता है पर मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि इजी वे में समझाऊं और आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके एंड आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा है अगर जो कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ओके इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।